नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप 2022 में बीएड करने वाले हैं और आप कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया से हैं और बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे इस बार 2022 में, तो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी अपडेट मैं लेके आया हूँ जो कि आपको देखनी चाहिए। चाहे आप किसी भी स्टेट से हों और बीएड करने का प्लान बना रहे हैं 2022 में, क्योंकि एक लिस्ट एनसीटीई ने जारी की है, आप देख सकते हैं, जो कि ये लिस्ट पूरी मेरे पास है जो कि है ऑल ओवर इंडिया बीएड कॉलेज की है। ये ऑल ओवर इंडिया बीएड कॉलेज की लिस्ट जो ये मेरे पास आ चुकी है, आप देख सकते हैं 3 मई 2022 को एनसीटी ने ये लिस्ट जारी करी है, है ना। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने ये आपकी पूरी लिस्ट जारी करी है, वो उन कॉलेजेस की जो कि एनसीटी के द्वारा अप्रूव हैं, यानी कि जो एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उसकी लिस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया की जारी करी है एनसीटी ने, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप बीएड करने वाले हैं 2022 में तो आपको ये लिस्ट ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से कॉलेज हैं जो मान्यता प्राप्त हैं एनसीटी के द्वारा, है ना। क्योंकि बहुत सारे फर्जी कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो बच्चों को लुभाते हैं एंट्रेंस के बाद कि हम आपके कॉलेज की फ़ीस कम करेंगे, हम आपके बीएड की फ़ीस कम करेंगे और फिर आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, लेकिन बाद में पता चलता है कि उन कॉलेज की मान्यता तो है ही नहीं और बच्चे का पूरा साल बर्बाद हो जाते हैं और प्लस उसके पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उन चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, इस लिस्ट को आपको देखना है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हैं क्या इस लिस्ट में उस कॉलेज का नाम है या नहीं है। क्योंकि अभी ही रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के आई थी, यूपी की मैं बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश की, एनसीटी ने यूपी में 350 कॉलेज को मान्यता रद्द कर दी थी, ठीक है ना। एनसीटी ने यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में 350 कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया था, यानी कि उनको अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया था। उन्होंने बताया था कि जो इनकी मान्यता की टर्म एंड कंडीशन होती हैं वो कॉलेज वो पूरी नहीं कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ भी जो भी कंडीशन होती है मान्यता प्राप्त को, अगर कोई भी कॉलेज मान्यता प्राप्त होना चाहता है तो उसको वो टर्म एंड कंडीशन पूरी करनी होती है पूरे एक साल में, तो वो 350 ऐसे कॉलेज थे जो वो टर्म एंड कंडीशन पूरी नहीं कर पाए। तो एनसीटी ने क्या किया, उनकी मान्यता को रद्द कर दिया और साफ साफ नोटिस भी निकाला था, वो मैंने आपको दिखाया था कि उनकी जो 2022-23 का जो सेशन था वो उन्होंने उसको जीरो घोषित कर दिया था, ठीक है ना। 2022-23 के जो सेशन था वो 350 कॉलेज का यूपी में एनसीटी ने जीरो घोषित कर दिया था, और वो कौन से थे, वो सारे बीएड कॉलेजेस थे, ठीक है ना। तो अगर आप बीएड करने वाले हैं 2022 में तो ये लिस्ट आपको देखनी चाहिए। मैं इस लिस्ट में बात करूंगा हमारे यूपी की। वैसे तो इस लिस्ट में ऑल ओवर इंडिया के आपके कॉलेजेस हैं बीएड के, तो आप किसी भी स्टेट से हैं, अंडमान निकोबार से लेके आप तमिलनाडु तक यानी कन्याकुमारी तक, आप जहाँ से भी हैं आप इसमें अपना कॉलेज देख सकते हैं कि आपके कॉलेज का नाम है या नहीं है। अगर कॉलेज का नाम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो थोड़ा टेंशन वाली बात है, ठीक है ना। अगर आप करने वाले हैं बीएड तो तब भी आप देख सकते हैं कि आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले थे, क्या उसका नाम इसमें है या नहीं है। तो चलिए मैं फटाफट से आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, एक बात और सुनिएगा, अगर आपको ये लिस्ट चाहिए, वैसे हम मैं इसमें यूपी की बात करूँगा क्योंकि ये लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, क्योंकि इसमें सारे स्टेट हैं ऑल ओवर इंडिया के और उनके बीएड कॉलेज के नाम हैं और प्लस उनके एड्रेस भी हैं, ठीक है ना। तो मैं इसमें बात करूंगा सिर्फ यूपी के कॉलेज में दिखाऊंगा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप अगर अदर स्टेट से हैं तो आपको ये पीडीएफ देख लेनी चाहिए। आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा, ठीक है ना। टेलीग्राम के ग्रुप में मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा और इस लिस्ट को वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं 2022 में क्या वो इस लिस्ट में है या नहीं है, ठीक है ना। तो फटाफट से बात करते हैं, आप देखिए, थोड़ा सा एक डेमो दिखाता हूँ। देखिए, अंडमान निकोबार के कॉलेज का नाम भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, टैगोर है ना, टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर प्रॉपर उसका एड्रेस भी दिया हुआ है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। और आगे बात करते हैं फटाफट से, हम यूपी की बात करेंगे। अगर आप कोई से भी स्टेट से हैं, अंडमान निकोबार से हैं, उत्तराखंड से हैं, आप बिहार से हैं, है ना, आप पंजाब से हैं, हिमाचल से हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, सभी कॉलेज के आपके कॉलेज का नाम इसमें मिलेगा, और जिन कॉलेज का नाम नहीं मिलेगा तो समझ लेगा वो एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। ये लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, मुझे इसे काफ़ी स्पीड से चलाना पड़ेगा क्योंकि हमें जाना है यू तक, यानी कि उत्तर प्रदेश तक। तो चलिए चलते हैं फटाफट अपने उत्तर प्रदेश तक। उत्तर प्रदेश के मैं आपको कॉलेज फटाफट से दिखा देता हूँ, लिस्ट में फिर से बता देता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा, ये आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा। फटाफट से चलते हैं अपना उत्तर प्रदेश की तरफ। लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के स्टेट, मतलब सारे स्टेट हैं इसमें, और उन सारे स्टेट के सारे कॉलेजेस में हैं, मतलब जो मान्यता प्राप्त हैं वो हैं सिर्फ, ये नहीं कि सारे हैं, आप ये मत समझिएगा कि सारे हैं, ठीक है। चलते हैं फटाफट से, बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है।
थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं, रुक के, यस, अब ऐसे हाँ फटाफट से चलते हैं। ओके, ये तो उल्टा ही आ गए, उत्तराखंड आ गया, हाँ उत्तर प्रदेश, ये देखिए आप उत्तर प्रदेश के आ गए हैं हमारे कॉलेज। बहुत ज़्यादा लंबे हैं, लिस्ट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे अपडेट है, वरना बच्चों के बच्चे एडमिशन ले लेते हैं कम फीस के चक्कर में बेकार कॉलेज में, और सेशन उनका फिर जीरो हो जाता है और फिर उनका साल बर्बाद हो जाता है। अभी भी आप देख रहे हैं कि यूपी में वो एग्जामिनेशन फॉर्म चल रहे हैं, कैसी कैसी दिक्कत का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है, कॉलेज ने इतनी ज़्यादा लापरवाही बरती है कि बच्चों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं अब एग्जामिनेशन फॉर्म के चक्कर में, है ना, उनके मतलब कॉलेज के अपने फॉर्म ही नहीं जमा कर पाए कॉलेज वाले बच्चों के, और उसका नुकसान सिर्फ बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, वो लेट हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, टेंशन तो बढ़ती ही है। बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है यूपी की भी, क्योंकि यूपी काफ़ी बड़ा राज्य है हमारा। ये आगे तेलंगाना, तेलंगाना के बाद, और ये हमारा उत्तर प्रदेश। ओके, ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश, आप देख सकते हैं, देखिए ये है हमारा यूपी, है ना, यूपी है हमारा, यहाँ से 7,700 से स्टार्ट है हमारा यूपी, आप देख सकते हैं वीके जैन कॉलेज एजुकेशन, है ना, ऐसे इनका नाम है, और इनका प्रॉपर इनका एड्रेस भी इन्होंने दिया हुआ है, और इसमें क्या क्या होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, है डेलेड जो वाले वो डेलेड होते हैं, और जो बीएड वाले हैं उसमें बीएड वाले होंगे, ठीक है ना। ये देखिए आप मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन, अब्दुल अजीज अंसारी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, है ना, ये आप देख सकते हैं सबके सब, जमुना देवी, ये सारे इसमें कॉलेजेस के नाम दिए हुए हैं जो कि अप्रूव्ड हैं एनसीटी के द्वारा, ठीक है ना। आगरा पब्लिक टीचर्स श्री महादेव कॉलेज, ये आप देख सकते हैं, अनंतनाग, इसमें मेरे कॉलेज का भी नाम है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी, अपने सहारनपुर के कॉलेज में आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं सहारनपुर से बीएड कर रहा हूँ, सहारनपुर में मैं रहता हूँ, हमारे सहारनपुर के कॉलेज भी इसमें काफ़ी हैं, तो काफ़ी कॉलेज इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। दीवान कॉलेज, ये देखिए आप, ये मेरठ का है शायद, तो काफ़ी कॉलेज, ये आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कॉलेज आपको इसमें देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारी लिस्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया, जितने भी स्टेट हैं सभी कॉलेज हैं उनके बीएड कॉलेजेस हैं सिर्फ, ठीक है ना। तो ये लिस्ट आपको देखनी चाहिए अगर आप 2022 में बीएड करने वाले हैं। मेरठ कॉलेज भी है, देखिए इसमें मेरठ का कॉलेज है, ये मेरठ कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है वो, ठीक है। डीएवी है आपका, ये आपका मुजफ्फरनगर का कॉलेज है, काफ़ी सारे कॉलेज हैं, आप इसमें देख लीजिएगा आपका कॉलेज एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं, ठीक है। देखिए आगे सहारनपुर के हमारे कॉलेज मैं आपको दिखाता हूँ, देवी जैन डिग्री कॉलेज आप देख सकते हैं, ये आपका सहारनपुर का कॉलेज है हमारा, गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। और भी दिखाता हूँ मैं आपको कॉलेज, काफ़ी सारे हैं इसमें, तो जो कॉलेज इसमें आपको दिखाएगा उसी में जाके आप एडमिशन लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका साल बर्बाद ना हो और आपके पैसे भी बर्बाद ना हो और सही कॉलेज में आप एडमिशन ले पाएँ। ये देखिए मेरा कॉलेज का नाम भी आ गया, दीपांशु कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडी, ये मेरा कॉलेज है। मेरे सहारनपुर में एक तो जे वी जैन था, ठीक है ना, जे वी जैन हमारा गवर्नमेंट था और दीपांशु मेरा प्राइवेट था, तो ये दोनों कॉलेज मैंने फिल किए थे, गवर्नमेंट मुझे मिल नहीं पाया और प्राइवेट वाला मुझे मिल गया था। तो यही है हमारा सहारनपुर का कॉलेज, मैंने यूपी के कॉलेज आपको दिखाए हैं, बाकी आप सारे स्टेट के कॉलेज बिहार वो अंडमान निकोबार से लेकर बिहार पंजाब उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान, है ना, ये सारे कॉलेज आप देख सकते हैं, कर्नाटक केरला सारे कॉलेज आपको इसमें मिलेंगे। तो ये आप सारे कॉलेज देख सकते हैं, टेलीग्राम पे ये आपको लिस्ट मिल जाएगी, इसको देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे अच्छे अपडेट बिल्कुल सही तरीके से मिलते रहे, और वीडियो लाइक मतलब लाइक करिएगा वीडियो को अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो। बाकी बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, थोड़ी सी बात करते हैं आपके यूपी बीएड के
एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, एग्ज़ाम आपके यूपी बेड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी न्यूज़ में आ रहा था कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर, ठीक है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर। देखो न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ आपका बीएड रिलेटेड एग्ज़ाम डेट के बारे में आता रहता है न्यूज़पेपर में, कभी आता है। अभी न्यूज़पेपर में मई के एंड में बताया जा रहा था कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, लेकिन आज जो अपडेट निकल के मैंने बताई थी उसमें बताया कि जून फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे बीएड के। लेकिन न्यूज़पेपर की इंफॉर्मेशन से आप एकदम बिल्कुल कन्फर्म नहीं हो सकते कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, ठीक है ना। वो ऑफिशियल जब भी आएगा तभी आपको पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम कब हो गए। तो न्यूज़पेपर की न्यूज़ सुन के इतना ज़्यादा हाइपर मत होना चाहिए आपको कि जो भी कह दिया कि हाँ वो बिल्कुल पत्थर की लकीर हो गई, ठीक है ना। न्यूज़पेपर बताता रहता है वो अकॉर्डिंग टू जो भी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपना बदलता रहता है। पहले वो मई एंड में बता रहा था, वो जून के फर्स्ट वीक में बता रहा है। मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन फॉर्म थोड़े और लेट हो जाते हैं, फिर वो जून के मिड में बताने लगेगा, थोड़ा और लेट हो जाए फिर वो जून के लास्ट में बताने लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसा न्यूज़पेपर में होता है, तो उसकी अपडेट को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा टीचर सॉल्यूशन का। तो टीचर सॉल्यूशन आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन देता है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ध्यान रखिएगा अपने घर वालों का, और पढ़ते रहेगा, खुश रहेगा। धन्यवाद, नमस्ते, टाटा, थैंक यू।